हाय, आज हम डिफेक्ट्स इन टैबलेट कोटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अगर कोटिंग करते समय टैबलेट को क्या क्या डिफेक्ट्स हमें आ सकते हैं और उस डिफेक्ट्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ा प्रीरिक्विजिट आपको जानना होगा कि प्रोसेस रिलेटेड वेरिएबल्स अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है ड्राइंग टाइम, ड्राइंग स्पीड, स्प्रे रेट एक्सेट्रा, ये होगा प्रोसेस रिलेटेड। फॉर्मुलेशन रिलेटेड अगर बोल रहा हूँ तो इंक्रीज इन विस्कोसिटी, डिक्रीज इन विस्कोसिटी, चेंज इन द इंग्रेडिएंट्स कॉन्सेंट्रेशन, सो ये सारे फॉर्मुलेशन रिलेटेड होंगे। इक्विपमेंट रिलेटेड अगर बोल रहा हूँ, इक्विपमेंट का स्पीड कितना है, इक्विपमेंट के अंदर हालत कैसी है इक्विपमेंट की, तो उसको मैं इक्विपमेंट के रिलेटेड बोलूँ। तो ये प्रीरिक्विजिट आपको जानना होगा, फिर हम कोटिंग डिफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डिफेक्ट्स अगर लिस्ट आउट करना है तो आपके पास है ब्लिस्टरिंग, कैटरिंग, पिटिंग, ब्लूमिंग, ब्लशिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग एंड पिकिंग, कलर वेरिएशन, लोगो ब्रिजिंग, एरोजन एंड ट्विनिंग। तो हम देखेंगे ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या है। ब्लिस्टरिंग का मतलब है टैबलेट सरफेस के ऊपर, सोचो कि टैबलेट सरफेस है, इसके ऊपर आपको ब्लिस्टर्स आना है इसे। तो आपका जो कोटेड सॉल्यूशन है या कोटेड जो भी लेयर है वो ब्लिस्टर्स के तरह आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें रीज़न क्या है। ब्लिस्टरिंग इज प्योरली रिलेटेड विथ प्रोसेस वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पर अगर ड्राइंग फास्ट करोगे आप तो आपको ब्लिस्टरिंग होगा। हम जानेंगे कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरा कोशिश ये है कि आपको बाहर मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट को जानो, कॉन्सेप्ट जो है उसको जानो और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लिस्टरिंग कैसे होगा, सोचो कि आप एक टैबलेट है एंड सोचो कि ये उसका ऊपर का कोटिंग कोट डाले हो और वो अच्छी तरह से कोट हो रहा है, ओके। तो जब कोटिंग होते समय, इन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, अगर आप जल्दबाजी करके ज़्यादा ड्राइंग हीट कर दिए, हीट कर ड्राई करते समय ज़्यादा ड्राइंग रह गई या ड्राइंग स्पीड को बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, अंदर जो भी ड्राइंग का मतलब क्या है, यू आर टेकिंग आउट सम ऑफ द सॉल्यूशंस, ओके। व्हीकल जो भी है उसको बाहर निकालोगे एंड जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स का आप चाहते हो कि वो कोट हो, तो व्हीकल बाहर निकालते समय अगर स्पीड से व्हीकल को बाहर निकालोगे, लाइक एनीथिंग, इफ़ यू आर यूजिंग अल्कोहल एज ए व्हीकल और वाटर एज ए व्हीकल, उस व्हीकल को आप ऑपरेट करना चाह रहे हो, इसी को हम ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर उसमें स्पीड बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग स्ट्रेस, ओके, एक वर्ड है ड्राइंग स्ट्रेस। सो ड्राइंग स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है ब्लिस्टरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप ड्राइंग रेट बढ़ाओगे तो जो भी सॉल्वेंट एवोपरेट होने को है वो क्या हो जाएगा, अंदर ही, क्योंकि आपका जो लेयर है जल्दी से, ऊपर का लेयर जल्दी से ड्राई हो जाएगा तो नीचे का लेयर में जो भी सॉल्वेंट है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। इसके वजह से आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट बाहर आएगा तो एक ब्लिस्टर आएगा, बाहर आएगा क्योंकि सॉल्वेंट एंट्रैप हो जाएगा अंदर। सो एंट्रैपमेंट ऑफ एयर और एंट्रैपमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द कोटिंग लेयर रिजल्ट्स इन ब्लिस्टरिंग। तो एंट्रैप होकर वो ब्लिस्टर हो जाएगा। अब ब्लिस्टर कैसे फॉर्म हुआ, सोचो कि आपके पास, यहाँ पर डालता हूँ, अब ये एक लेयर है तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड है, जब भी आप ड्राई करोगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, ओके। अगर आप ड्राइंग स्पीड को बढ़ा रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर रख रहे हो और ज़्यादा तुरंत उसको ड्राई होने के लिए छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जैसे जैसे बाहर जाएगा, तो सोचिए कि मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे जब बाहर जाएगा तो जो भी क्या है कोटिंग सॉल्यूशन में क्या रखते हैं, मेनली पॉलीमर्स रखे थे, तो पॉलीमर को खींचेगा, इसके वजह से क्या होगा, खिंचाव होके ऐसे मॉलिक्यूल भी इसको खींचता रहेगा, खिंचाव होके चला जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ब्लिस्टर जैसे फॉर्म हो जाएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग ड्यू व्हेन द मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल, सोचो कि ये पर सोचो कि ये मॉलिक्यूल है, जब भी ये मॉलिक्यूल को आप ड्राई कर रहे हो जैसे जैसे बाहर आता है इस लेयर को, सोचो कि ये लेयर, इस लेयर को खींचेगा ऊपर, खींच के फिर चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग स्ट्रेस। ये पॉलीमर ऐसे ही हो जाएगा तो ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। सो स्ट्रेस रिजल्ट्स ड्यू टू ड्राइंग, तो ड्राइंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको। जैसे क्या होगा, आपको जो भी वो कोटेड सॉल्यूशन है ऊपर लेयर ऐसे उबाव के जरा आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर।
ओके एग्जांपल ड्राइंग स्ट्रेस के लिए बेस्ट एग्जांपल है, पेपर ले लो, पानी में डालो और उसको बाहर ड्राइंग के लिए छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? अब पेपर को देख सकते हो, नॉर्मल की तरह नहीं रहता है, पूरा उबड़ खाबड़ हो जाएगा। क्यों पेपर ऐसे उबड़ खाबड़ हो गया? क्योंकि वहाँ पर ड्राइंग स्ट्रेस इंड्यूस किया गया है। तो इस अगर ड्राइंग स्ट्रेस अगर आपको इंड्यूस नहीं करना है तो बी केयरफुल, यूज़ माइल्ड ड्राइंग कंडीशंस। तो टेम्परेचर कम रखो और ज़्यादा देर तक ड्राई करो, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग स्ट्रेस का इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेटरिंग। क्रेटरिंग का मतलब है फॉर्मिंग क्रेटर्स इन द टैबलेट्स। तो क्रेटर का मतलब क्या है, जब भी आपका टैबलेट है यहाँ पर, सोचो कि टैबलेट सरफेस है, ओके द टैबलेट सरफेस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी पोर्स रहेंगे वहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसके वजह से जहाँ जहाँ वो अंदर गया वो क्रेटर के जैसे फॉर्म हो जाएगा, ओके उसको हम बोलते हैं क्रेटरिंग। सॉल्यूशन अंदर जा रहा है, इसके वजह से आपको क्रेटर फॉर्म हो रहा है। तो क्यों और क्या है, तो हम इसको कैसे हम रोक सकते हैं सॉल्यूशन का अंदर जाने, ऑब्वियसली प्रोसेस रिलेटेड आपको ड्राइंग कंडीशंस को मेंटेन करना होगा, ओके अगर ड्राई तुरंत कर दिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी घट जाएगी। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो वो सॉल्यूशन अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगा। या फॉर्मुलेशन रिलेटेड आप उस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा दो। अब विस्कोसिटी बढ़ गया है तो क्या हो गया, सोचो कि एक पोर ऐसा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, टैबलेट सरफेस के ऊपर पोर है, जो भी आपका सॉल्यूशन है अगर वो विस्कस है तो ऊपर ही रहेगा, अगर विस्कस नहीं है तो अंदर चला जाएगा, विस्कस है तो ऊपर ही रहेगा, तो उस पोर को भी वो कवर कर लेगा। तो विस्कोसिटी बढ़ाने से और ड्राइंग कंडीशंस को मेंटेन करने से आपको क्रेटरिंग नहीं होगा। ओके क्रेटरिंग का मतलब ऐसे, ये सॉल्यूशन जब अंदर चला जाएगा तो वहाँ पर आपको क्रेट दिखेगा, ऐसे वॉल्केनिक क्रेट के जैसे दिखेगा, इसके बोलते हैं हम क्रेटरिंग। ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक क्रेटर को देखने पर आपको कैसे दिखेगा। नेक्स्ट है पिटिंग। पिटिंग का मतलब है जैसे आप पिट्स के जैसे देखोगे, वहाँ पर पिट्स जो भी है देखोगे टैबलेट के सरफेस के ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है, रीज़न है अगर जो भी आप जो भी आप पॉलीमर या एक्सीपिएंट यूज़ कर रहे हो कोटिंग सॉल्यूशन के अंदर, ये फार्मूला रिलेटेड है, ओके तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड में इसमें क्या है, अगर आप एक एक्सीपिएंट यूज़ किए जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपके ड्राइंग कंडीशन से भी कम है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग के लिए सोचो आप 50 या 60 डिग्री चूज किए लेकिन आपका जो भी इंग्रेडिएंट है एक इंग्रेडिएंट वो 40 में ही मेल्ट हो रहा है, इसके वजह से आपको पिट्स फॉर्म होंगे वहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम पिटिंग। तो इसके लिए पिटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अभी फार्मूले के अंदर जो भी एक्सीपिएंट्स हैं उस एक्सीपिएंट जो भी यूज़ कर रहे हो आप उसको ऐसे एक्सीपिएंट चूज़ करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ड्राइंग टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो। सोचिए आपका ड्राइंग टेम्परेचर 40 है तो आप एक एक्सीपिएंट चूज़ करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर वजह से वो मेल्ट नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से एक इंग्रेडिएंट मेल्ट हो रहा है, इसके वजह से पिट्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर टैबलेट सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर दो है, प्रोसेस वेरिएबल भी है, फार्मूला भी है। फार्मूला में आप चेंज करो और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करो। अगर आप वो उस इंग्रेडिएंट को यूज ही करना चाह रहे हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपके ड्राइंग टेम्परेचर से कम है तो आप प्रोसेस को चेंज करो, मतलब टेम्परेचर को कम करो। नेक्स्ट ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब है डल स्पॉट्स, ओके आपको टैबलेट के सरफेस के ऊपर डल स्पॉट्स अपीयर होंगे। तो ये रीज़न क्या है, डल क्यों हो रहा है टैबलेट, रीज़न है जो भी उसके अंदर प्लास्टिसाइजर आप यूज़ करे हो, नॉर्मली वो प्लास्टिसाइजर लो मॉलिकुलर वेट होता है, जब भी ड्राई होगा यहाँ पर भी जैसे ड्राइंग स्ट्रेस मैंने बोला, जब भी वो ड्राई होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यह है आपका प्लास्टिसाइजर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, जब भी ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे जैसे कोटिंग जो भी लेयर है उससे ऊपर आएगा तो क्या होगा, क्योंकि प्लास्टिसाइजर का मॉलिकुलर वेट कम है सॉल्वेंट के साथ भी वो ऊपर आ जाएगा। अब वहाँ से वो ऊपर तो नहीं जाएगा, ओके वो वोलेटाइल तो नहीं है आपका प्लास्टिसाइजर, तो क्या हो जाएगा वो ऊपर ही रह जाएगा और सॉल्वेंट वहाँ से चला जाएगा। अब ये क्या हो गया, लो मॉलिकुलर वेट रहने की वजह से आपका प्लास्टिसाइजर ऊपर आके टिक गया है यहाँ पर। अब प्लास्टिसाइजर का कलर अलग है, आप जो कलरेंट यूज़ करें उसका कलर अलग है, जो भी प्लास्टिसाइजर ऊपर जहाँ जहाँ वो अक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पर आपको डल कलर मिलेगा, जहाँ पर अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है वहाँ पर आपको प्रॉपर कलर मिलेगा, मतलब जहाँ पर भी वो प्लास्टिसाइजर अक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पर डल कलर मिलेगा, इसको ही बोलेंगे हम ब्लूमिंग। तो अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगेन प्रोसेस रिलेटेड ड्राइंग प्रोसेस को कंट्रोल करो। नेक्स्ट इज
लो मॉलिकुलर वेट प्लास्टिसाइजर यूज़ करो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लास्टिसाइजर का मॉलिकुलर वेट बढ़ाओ, या अब ऐसे प्लास्टिसाइजर यूज़ करो जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो, वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर ना जा पाए। नेक्स्ट है ब्लशिंग। ब्लशिंग का मतलब है वाइटी स्पेक्स, ओके, वाइट 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 जैसे दिख रहा है वो टैबलेट के कोटिंग ड्राई होने के बाद। क्यों ऐसे हो रहा है? ड्यू टू प्रिसिपिटेशन ऑफ पॉलीमर, वही पॉलीमर इज प्रिसिपिटेटिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो प्रोसेस रिलेटेड टेम्परेचर को कंट्रोल करो, प्रिसिपिटेशन ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर का जो प्रिसिपिटेशन है वो आप सॉर्बिटॉल यूज़ करने से भी बढ़ाएगा। अगर आप सॉर्बिटॉल यूज़ कर रहे हो वो पॉलीमर को प्रिसिपिटेट होने में हेल्प करेगा, ये इनकम्पैटिबिलिटी है। तो आप पॉलीमर को, अगर पॉलीमर से जो पॉलीमर प्रिसिपिटेट हो गया, ऑब्वियसली जो भी वो प्रिसिपिटेट हो पार्टिकल बन जाएगा। हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि पॉलीमर प्रिसिपिटेट हो रहा है, आपको वाइट वाइट स्पेक दिखेंगे टैबलेट के ऊपर क्योंकि पॉलीमर प्रिसिपिटेट हो जा रहा है। क्यों प्रिसिपिटेट हो रहा है? हायर टेम्परेचर और सॉर्बिटॉल की वजह से। सो अवॉइड यूजिंग सॉर्बिटॉल एंड अवॉइड यूजिंग हाई टेम्परेचर, और यूज ए पॉलीमर विच इज़ कंपैटिबल। आप सॉर्बिटॉल यूज़ करना ही चाह रहे हो तो देखो कि सॉर्बिटॉल की वजह से पॉलीमर प्रिसिपिटेट ना हो। तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड सॉर्बिटॉल है, प्रोसेस रिलेटेड हाई टेम्परेचर है। नेक्स्ट इज ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट का मतलब है, नाम ही इसलिए आया कि ऑरेंज पील जैसे निकल के आएगा ना वैसे टैबलेट के कोटिंग में निकल के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। तो ये क्यों हो रहा है? वन, प्रोसेस रिलेटेड इज रैपिड ड्राइंग, तो कहीं भी आपको रैपिड ड्राइंग करना ही नहीं है, रैपिड ड्राइंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। टू, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर। ये कैसे इफेक्ट होगा? सोचो कि आप एक कोट कर रहे हो, टैबलेट है यहाँ पर, टैबलेट है इसके ऊपर कोटिंग कर रहे हो, विस्कासिटी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ी जगह आपके ड्राइंग कंडीशन रैपिड ड्राइंग की वजह से यहाँ पर तुरंत ड्राई हो जाएगा, यहाँ पर विस्कासिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर कम ड्राई हो रहा है। एक पोर्शन में ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, दूसरे पोर्शन में कम ड्राई होगा, जहाँ पर कम ड्राई हुआ ऑब्वियसली वहाँ पर पील के जैसे निकल के आ जाएगा, ओके, तो पील हो जाएगा। तो विस्कासिटी को भी आप कंट्रोल करना है, यूज़ ऑप्टिमम विस्कासिटी। तो विस्कासिटी अगर ज़्यादा है तो एक 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 तरफ तो ड्राई नहीं होगा, एक तरफ ड्राई हो जाएगा, तो जैसे जैसे आप स्प्रे करोगे एक तरफ तो ड्राई हो जाएगा, एक तरफ ड्राई नहीं हो जाएगा, जहाँ पर विस्कासिटी ज़्यादा है वहाँ पर ड्राइंग टाइम ज़्यादा होगा, ओके, इसके वजह से भी ऑरेंज पील इफेक्ट होगा, इसको आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट है स्टिकिंग एंड पिकिंग। स्टिकिंग का मतलब है एक दूसरे के साथ चिपकना, ओके। पिकिंग का मतलब है पैन, ये आके इक्विपमेंट रिलेटेड है, तो वो जो भी आपका कोटिंग है जाके पैन को लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं पिकिंग। पैन उसको पिक कर रहा है, ओके, इसलिए उसको बोलते हैं पिकिंग। सो ऑब्वियसली स्टिक क्यों हो रहे हैं? ड्राइंग्स अगर सही नहीं है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, ड्राइंग नहीं हो, इसलिए टैबलेट क्या हो गया, टैबलेट क्या हो गया, स्टिक हो जाएंगे। ड्राइंग टाइम अगर सही नहीं है, क्योंकि ड्राई नहीं है इसलिए टैबलेट चिपक गए, अगर ड्राई सही हो तो चिपकेंगे नहीं। नेक्स्ट है पिकिंग। ऑब्वियसली अगर ड्राई सही नहीं हुआ है तो क्या हो जाए, सोचो कि आपका टैबलेट जो भी है वो जो पैन होता है ना, पैन के अंदर हम बैफल्स देखते हैं, जो भी पैन आपको रहता है अंदर बैफल्स रहते हैं ऐसे, तो जैसे जैसे टैबलेट घूमता रहता है बैफल को हिट करके पूरा ऐसे घूमता है अराउंड। अगर बैफल ठीक नहीं है तो टैबलेट क्या हो जाएगा, सोचो ये सरफेस एक्सपोज्ड है, बैफल है तो इसे घूम के ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे आएगा, ओके, तो बैफल की वजह से वो सरफेस को बदलता रहेगा। अगर वो नहीं, ठीक से आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो इक्विपमेंट रिलेटेड, तो क्या होगा, टैबलेट ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही आएगा, तो ओनली अपर सरफेस आपको कोट होगा और ड्राई होगा, तो लोअर सरफेस नहीं होगा अगर नीचे कोई कोटिंग सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से वो जो भी आपका कोटिंग सॉल्यूशन है ड्राई नहीं हुआ वो जाके पैन को चिपक जाएगा, वी कॉल इट एज पिकिंग। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर ड्राइंग एंड रेट ऑफ स्प्रे। अगर स्प्रे रेट ज़्यादा है, ड्राइंग आप कर रहे हो तो आपको स्प्रे रेट को और ड्राइंग को मैनेज करना है, यहाँ पर सब चीज़ रिलेटेड है, स्प्रे रेट और ड्राइंग, जितना स्प्रे कर रहे हो वैसे ही आपको ड्राई भी करना है। अगर आप ज़्यादा ड्राई कर लिए तो प्रॉब्लम है, और ड्राई नहीं किए तो भी प्रॉब्लम है, चिपक जाएंगे वो, तो स्प्रे रेट और ड्राइंग तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन क्यों आ रहा है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि आप जब मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन, कोटिंग सॉल्यूशन को, वो ठीक से मिक्स नहीं हुआ इसलिए आपको कलर वेरिएशन आ रहा है। और माइग्रेशन ऑफ सॉल्यूबल डाइस। कलर वेरिएशन क्यों आ रहा है? जो भी डाइस सॉल्यूबल है, ओके, तो वो डाई अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ऊपर या नीचे चला जाएगा, इसके वजह से आपको इम्प्रॉपर कलर आएगा,
तो यहाँ पर मिक्सिंग इज प्रोसेस रिलेटेड, अगेन योर सॉल्यूबल डाइज माइग्रेशन, ओके दे आर आल्सो रिलेटेड टू प्रोसेस बिकॉज यू आर ड्राइंग लाइक दैट एंड डाई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ओके प्रोसेस रिलेटेड भी फॉर्मुलेशन रिलेटेड. तो यूज़ ए डाई विच हैज़ विच वोंट माइग्रेट देयर, ओके एंड यूज़ प्रॉपर ड्राइंग. नेक्स्ट इज लोगो ब्रिजिंग. सोचो कि मैं एक लोगो है, ओके मैं चाहता हूँ मेरे टैबलेट के ऊपर ऐसे लोगो, मैं आपको लोगो सोचो ऐसे लोगो आना चाहिए मुझे. इस लोगो को अगर मैं साइड से देखूँगा तो कैसे दिखेगा मुझे, ऐसे. तो मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, ओके तो साइड से देखने की. जब आप कोट करोगे आप चाहोगे कि आपका कोटिंग फुल्ली इस लोगो में भी जाके बैठे ऐसे एंड लोगो मुझे दिखाई दे. अगर आप जो भी स्प्रे कर रहे हो उसके देखो यहाँ पर उसमें ज़्यादा सॉलिड कंटेंट है तो क्या होगा, सॉलिड जाके लोगो के अंदर बैठ जाएगा, वो तो ब्रिज फॉर्म करेगा. सॉलिड यहाँ पर ऐसे बैठ के ब्रिज फॉर्म करेगा, ऐसे ब्रिज. नेक्स्ट विस्कासिटी ज़्यादा है, ओके तो भी वो जाके हम बैठ के ब्रिज फॉर्म करेगा. नेक्स्ट स्प्रे रेट, अगर स्प्रे रेट भी ज़्यादा है तो वो जो भी है ज़्यादा स्प्रे यहाँ पर कर देगा, सॉल्यूशन अंदर बैठ के ब्रिज फॉर्म करेगा. फिर ड्रॉपलेट, जो भी आप ऑटोमाइज कर रहे हो वो ऑटोमाइजेशन प्रोसेस में ड्रॉपलेट का साइज बहुत छोटा रहना है, तभी जाके क्या होगा, ड्रॉपलेट जाके ठीक अंदर बैठेगा. अगर ड्रॉपलेट बड़ा है तो ड्रॉपलेट यहाँ बैठेगा तो वो ब्रिज फॉर्म करेगा. इसको बोलते हैं लोगो ब्रिजिंग, ब्रिज फॉर्म कर रहे हो, लोगो के ऊपर एक लेयर आ जाएगा, इसे लोगो अंदर रह जाएगा ऊपर लेयर है, आपको लोगो की नहीं दिखेगा, तो क्या फ़ायदा आपको स्प्रे करके, ओके. एंड डिज़ाइन, एंड लोगो का भी डिज़ाइन का इफेक्ट है, ओके. जो भी आप लोगो बना रहे हो उसको देखो कि ये ब्रिजिंग ना हो पाए, तो ये सारे रिलेटेड है कि अगर आप स्प्रे रेट ले रहे हो तो प्रोसेस रिलेटेड है, सॉलिड कंटेंट विस्कोसिटी ये फॉर्मुलेशन रिलेटेड, लार्ज ड्रॉपलेट भी प्रोसेस रिलेटेड है, ओके. नेक्स्ट इज एरोजन. एरोजन क्यों हो रहा है, टैबलेट एडजस्ट पे एरोज हो जाएगा, रीज़न ये है टैबलेट का स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, नो सरफेस स्ट्रेंथ इन द टैबलेट, और ओवर वेटिंग, ज़्यादा वेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, सोचो टैबलेट है इस पार्ट में अगर ज़्यादा वेट हो गया तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा आफ्टर कोटिंग प्रोसेस, उस पार्ट में ज़्यादा वेट हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा, ऐसे ऐसे एरोजन हो जाएगा, ओके. तो ज़्यादा वेट क्यों हो रहा है, स्प्रे रेट कंट्रोल करना है फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ओके. टैबलेट को आप स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन कहाँ करेंगे हम, फार्मूला को, सॉरी स्प्रे रेट इज प्रोसेस रिलेटेड, फॉर्मुलेशन रिलेटेड, यूज गुड बाइंडर्स, ओके इन द टैबलेट विच हैज़ गुड स्ट्रेंथ. अगर टैबलेट का स्ट्रेंथ नहीं है तो वो एरोजन हो जाएगा. नेक्स्ट इज ट्विनिंग. ट्विनिंग का मतलब है ट्विंस, तो टैबलेट ऐसे दो चिपक के दो दो टैबलेट ऐसे ट्विन होते रहेंगे. ये रीज़न क्या है ट्विनिंग का, देखो आप मेनली ट्विनिंग का रीज़न है डिज़ाइन ऑफ द टैबलेट, टैबलेट का डिज़ाइन और स्प्रे रेट और ड्राइंग. अगर ड्राई सही से नहीं हुआ तो दो टैबलेट चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ड्राई नहीं हुआ यहाँ पर भी ड्राई नहीं हुआ तो दोनों चिपक जाएंगे, ओके. वन दैट इज़ फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ओके. रेट ऑफ स्प्रेइंग अगर ज़्यादा है तो भी चिपक जाएंगे, ड्राई सही नहीं हो तो भी चिपक जाएंगे, सॉरी इट इज़ प्रोसेस रिलेटेड. फॉर्मुलेशन रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके. शेप, टैबलेट शेप रिलेटेड क्या है यहाँ पर, ओके. इक्विपमेंट रिलेटेड है पैन स्पीड, अगर कम स्पीड रखोगे पैन का तो ऑब्वियसली दो टैबलेट नज़दीक आ जाएंगे, स्पीड अगर बढ़ाओगे तो दो टैबलेट दूर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैफल्स रहेंगे, वो टैबलेट कैसे घुमाते रहेंगे तो एक टैबलेट यहाँ आएगा एक टैबलेट ऐसे गिरेगा तो दूर दूर रहेंगे टैबलेट. अगर आप पैन का स्पीड बढ़ोगे, इक्विपमेंट रिलेटेड इज पैन स्पीड, पैन का स्पीड बनाना है तो टैबलेट की दूरी आपको मेंटेन कर सकते, ऐसे नहीं कि ज़्यादा भी पैन का स्पीड बनाना है, ओके ऑप्टिमम स्पीड में रखना है. मेन टैबलेट शेप में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, देखो टैबलेट का शेप अगर ऐसा है, इसके एडजस्ट हैं ऐसे, ओके दूसरा टैबलेट है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहे हो उन दोनों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो चिपक जाएंगे, ट्विन फॉर्म होंगे वो. अगर सोचो मैं टैबलेट को ऐसे बनाऊंगा, उसके एज को थोड़ा ऐसे करूंगा, अब क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली टाइनी सरफेस है, ओके. जस्ट उस एज को ब्लंड करने के वजह से आपको पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, आप देख सकते हो ऐसे, ओके. अगर टैबलेट का एज ऐसा है, ओके, यहाँ पर भी फ्लैट यहाँ पर भी फ्लैट, क्या हो जाएगा, चिपक जाएंगे वो. अगर इनका एज ऐसा है, ओके देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा मिल रहा है,
ओके हाँ देखो ऐसे पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीटर अगर मैं ऐसे डिज़ाइन में करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैबलेट पूरा राउंड रहना है, जस्ट उसको एड्स को थोड़ा करू देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, इसकी वजह से आपको ट्विनिंग ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे ट्विनिंग ही नहीं होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रहने की वजह से। तो अब इस तरह ट्विनिंग को आप टैबलेट जस्ट शेप बदल के आप ट्विनिंग को अवॉइड कर सकते हो। तो ये मेरी छोटी कोशिश है टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में बोलने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।